भाई मेरे चाचा बहुत बड़ा कंजूस है। देखो खुद तो उतना सारा बाइक लिए हुए हैं और मेरे को ये खटाड़ा वाला साइकिल दे दिए है, जो कुछ चलता तो दूर बहुत घसटाता भी नहीं अच्छा से। देखो मतलब इसका लगता है रिम उम सब खराब हो गया है और इसका हैंडल तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, पता नहीं क्या करे। देखो कैसे टना रहा है भाई, ऊपर चढ़ना तो देखो चढ़ भी नहीं रहा है भाई, हम क्या करें। देखो ये देखो जा रहा है, जाते है किधर चल जाता है गाड़ी किधर। और देखो पहाड़ भी है सामने में, अब तो यहाँ पर ऊपर चढ़ाने में मेरा पूरा फटने वाला है भाई। आज इसी का किसी का व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, यदि हम चाचा का बाइक चढ़ाते तो उनसे तो मार लगेगा भाई, हमको कहीं ना कहीं तो इस साइकिल का व्यवस्था करना ही पड़ेगा। देखो यार चढ़ता ही नहीं है, चलो थोड़ा सा है और थोड़ा सा है, चलो चढ़ गए। ओ भाई साहब, भाई यहाँ पर देखो कितना सारा बाइक लगा हुआ है भाई, आज इसका एक बाइक चुरा ले क्या भाई। बाइक चुराएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, चलो इसका बाइक का टायर चुरा लेते हैं, उसका साइकिल में लगा लेंगे। पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोई आदमी है क्या, अगर यहाँ पर आदमी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग चोरी कर लेंगे। और यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है तो सबसे पहले हमको बाइक का टायर चेक करना पड़ेगा कि सही टायर है ना। देखो ये बाइक तो एकदम मस्त लग रहा है यार भाई, बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होगा। और इसका चक्का भी देखो अच्छा है, इसका चक्का का हम लोग कैसे खोले, चलो इसको पहले, इंजन तो इसका सही है और इसका चक्का भी देखो एकदम तगड़ा है। और इसको चक्का को खोलना पड़ेगा तो सबसे पहले हमको ये वाला नट को हटाना पड़ेगा और इधर से वो करना पड़ेगा भाई, जो भी करना है जल्दी करना है, नहीं तो पता नहीं बंदा आ जाएगा या इसका शॉप का ऑनर आ जाएगा तो मेरा तो भाई गया। अबे तुम्हारे घूमने का चक्कर में अगर दुकान में चोरी वगैरह हो गया ना तो बॉस तो हम लोग को छोड़ेंगे नहीं भाई, 90 नहीं पूरा 100, 200, 300 जितना फिर जाए उतना लेके चल, बट जल्दी चल यार। अबे लहरिया मार रहा है यार, क्या कर रहा है, नागिन डांस चला रहा है भाई, नुबड़ा कहीं का जल्दी चल, वो देखो वहाँ है शॉप, जल्दी से चल। अगर वहाँ पर कुछ दिक्कत, अभी यार ये कौन है, अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, अबे यार यहाँ पर क्या कर रहा है, लगता है बाइक को खरीदने आया है। चलो इसे पूछते ही कर क्या रहा है यहाँ पे। हाँ एडम सर बोलिए, आपको क्या चाहिए, आप इस बाइक को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं। अरे भाई साहब मेरा साइकिल का टायर पूरा खराब हो गया है और हमको ये बाइक का टायर बहुत अच्छा लग रहा है, इसको सोच रहे हैं किसी तरह खोल के ना अपना साइकिल में लगा लेंगे तो मेरा साइकिल भी उड़न खटोला बन जाएगा। अबे साले हमको लगा तुम बाइक खरीदने आए, तुम तो चोर निकला, तुम बाइक का टायर चोरी करने आया है, नुबड़ा कहेगा ले। देखो भाई साहब हम चोर वोर नहीं है, भले मेरे को टायर का काम था, तुमको नहीं पता है कि हम कितना बड़ा आदमी है, मेरे से अगर कोई पंगा लेता है ना तो उसको हम छोड़ते नहीं है, उसको हम छोड़ के भाग जाते हैं। चलो यहाँ से भागने में भला ये सबको पता चल गया है कि हम लोग टायर चोरी करने आए थे, जितना स्पीड हो उतना स्पीड से भागना पड़ेगा, भागे डब भाग। अबे यार इसमें कहाँ फंस गया, चलो निकल जाते हैं, अब उसको तो घंटा हम पकड़ाएंगे। अबे जल्दी बैठ देखो कैसे भाग रहा है। अबे तू खड़ा क्या कर रहा है। बॉस आपने ही तो बोला कि देखने के लिए उसको कैसे भाग रहा है। अबे साले अभी मजाक का टाइम नहीं है, अगर उन्हें पकड़ाया तो बॉस हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। अगर पकड़ा गया तो हम लोग को छोड़ देंगे क्या। अबे साले तू चुपचाप बैठ जल्दी सा भाई, आज तो उसको किसी तरह पकड़ना ही होगा, तुमको तो टेंशन नहीं है मगर मेरे को टेंशन है, अगर नहीं पकड़ाया तो हम लोग का तो एल लगने वाला है, 300-400 क्या पूरा स्पीड तोड़ देंगे मगर उसको पकड़ के छोड़ेंगे। आज तो बच ही गए यार, कितना मतलब अगर उस आदमी का हाथ पकड़ा जाता तो मेरे को तो वहीं खत्म कर देता लगता है भाई, नहीं तो मेरे को अगर सकुरा या एडम चाचा के पास ला देता तो मेरा हालत खराब कर देता। चलो उनके पास जाके हम खुद ही कुछ कुछ बोल देते हैं। अरे सकुरा चाचा, एडम चाचा, यहाँ पर दो बंदा आने वाला है जो बोल रहा था कि यहाँ पर डायरेक्ट आने के साथ आप चारों को 1 vs 4 में मार देगा और भी खाली 1 tap मार देगा, अगर जैसे ही आता है आप उस सबको 1 tap मार दीजिएगा, नहीं तो आपका तो काम तमाम है, मेरे को टट्टी लग गया, हम तुरंत टट्टी करके आते हैं। भाई ऐसे तो बोल दिया, अब उन लोगों को तो पता नहीं चलेगा, अब शायद दो बंदा जैसे आएगा उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसे तो मेरा सकुरा चाचा और हिपअप चाचा बहुत खतरनाक आदमी है, सीजन 1-2 का है भाई, अब बाकी वो समझे, मेरा तो टट्टी निकलने वाला है। चलो यहाँ पर टट्टी कर लेते हैं, अगर वो बंदा आके अगर सच बता दिया तो भाई मेरा तो टट्टी पूरा पैंट में करवा देंगे। हमको पता है कि उस साला एडम इधर ही रहता है, हम उस एडम को एक बार देखे थे इधर ही घूमते, शायद उसका घर यहीं क्लॉक टावर पे है, और उसका अगर गार्जियन रहे तो उसको बोल के ना उसको सच से बता देंगे और जो भी जुर्माना हुआ है उसका जुर्माना भी ले लेंगे। पहले मेरा एक्शन तो देख लो, ये हुड़ हुड़ दबंग वाला एक्शन है। और यहाँ पर पहुँच गया, और यहाँ पर देखो क्या कर रहा है भाई, लड़ाई कर रहा है एकदम। अबे किसको मार रहा है, अबे सकुरे तुम्हारा एक लड़का है, अबे साले खत्म, बाय बाय टाटा। तुम लोग देखा ना कि एडम बस कितना दिमाग होता है कि सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी टूट जाएगा, तो इसके लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।